वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है सोएब और दोस्तों आज मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। इवन आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं वो इस स्कॉलरशिप है फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इनके द्वारा स्कॉलरशिप हर ईयर स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपको पता है इनका मिशन क्या है, जैसे कि इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी की हेल्प करना है, ठीक है। इनका एम और जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब चलिए हम सीधे बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, फिर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके डिटेल्स में दिखा देता हूँ। इनकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड बाई यहाँ पर लिखा हुआ है। लास्ट डेट मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, यहाँ पे 30 जून 2024 है, मतलब कि अभी देख सकते हो दो तीन दिन और बचा हुआ है, जितनी जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कर दो। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पे बता दें 50 प्लस 10। 10 का मतलब क्या है, 10 उन स्टूडेंट को मिलेगा जो गर्ल्स कैंडिडेट है जिनका 90% से ज्यादा स्कोर है। सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इवन ये जो है ना, ये मतलब 60 स्टूडेंट को मिलेगा। आप समझा देता हूँ आपको, ये 10 है वो फिक्स है, मतलब 10 में लड़कों को नहीं दिया जाएगा, 10 में लड़कियों में फाइट होगी, और ये 50 में लड़कियाँ और लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप इसमें इस स्कीम में अप्लाई करोगे फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस, जिसमें से 50 में गर्ल्स भी एलिजिबल होंगी और 10 में सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल होंगी, बॉयज़ 10 में एलिजिबल नहीं होंगे, बॉयज़ सिर्फ 50 में एलिजिबल होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। इस पर क्लिक करने की कोशिश करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, जहाँ पे आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस की ऑफिशियल साइट पे, तो आपको फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा, जिससे आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। आपको सिंपली सा गाइडलाइंस वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है, स्कोप वगैरह जो भी चीज़ें पढ़नी है, और यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा जहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, री इंटर ईमेल आईडी, 10 नंबर का मोबाइल नंबर, फिर वेरिफिकेशन कोड कैप्चा फिल करके क्लिक हियर टू सबमिट, यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। अंडर स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारी चीज़ें सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप सबमिट पे क्लिक करके सारी डॉक्यूमेंट फिल करोगे, फिर आपका फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स सारी फिल करनी है, बैंक डिटेल्स फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। रेजिडेंशियल डिटेल्स फिल करनी है, आपकी इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल करनी है, बैंक पासबुक अपलोड करना है, वो करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जहाँ से आप यहाँ पे आके लॉग इन करके ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन कोड करके सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपका यही सारी चीज़ें यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, फिर आपकी स्टेटस यहाँ पे दिखने लगेगी। मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप सभी परेशान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th बोर्ड में अभी पढ़ाई करके जैसे ही निकला हुआ है और फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट में है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एक बार और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, अगर इसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ स्टूडेंट हुआ है पास्ट क्लास 12th फॉर्म, मतलब क्लास 12th स्टूडेंट आपने पास कर लिया होगा और फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप इनरोल किए होंगे, ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट ईयर इस साल होना चाहिए, ठीक है। और इवन आपका यहाँ पे स्टूडेंट हु क्लास 12th रिजल्ट आर नॉट डिक्लेयर नीड टू अप्लाई आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब इवन आपका क्लास 12th का रिजल्ट मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी, जैसे कि और आप सोच रहे हो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले लियो, फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हो, सो यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। सो प्लीज़ वेट अप टिल योर स्कॉलरशिप, योर बोर्ड रिजल्ट विल नॉट कम, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंटर इज स्टूडेंट हु बिलोंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि आप समझ सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने चौथा मेंशन किया जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, जिन स्टूडेंट का बैकग्राउंड जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक होगी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगी यहाँ पे हॉस्टल और मेस के चार्जेस प्रोवाइड करेगी, अदर अलाउंसेस में कवर ट्रेवल क्लॉथिंग बुक परचेज एज पर आवर नॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सबसे बड़ी चीज़ है, जो अगर लास्ट ईयर की देखें तो लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट को लैपटॉप दिया था, लैपटॉप मतलब इन द सेंस आपको लैपटॉप खुद से खरीदना है, ये स्कॉलरशिप आपको फंड कर देंगे और वो स्कॉलरशिप जो आप लैपटॉप खरीदोगे लैपटॉप की रसीद इनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मतलब इनको बिल जो भी होगा उसको आपको इनको देना पड़ेगा, ठीक है। ये जितनी मतलब आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर आप जितनी भी खर्च करोगे वो आपको इनको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको लैपटॉप का खर्चा, आपके हॉस्टल का, मेस का, ट्रैवल का, इवन ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतनी सारी है, इतनी ज़्यादा है, क्योंकि 50 में आपको फाइट करना, वो भी 50 में अगर फाइट करके आप यहाँ पे जीत जाते हो तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि यार ये जेन्युइन स्कॉलरशिप है और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इसमें स्कैम होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपके मार्क्स बढ़िया, आपकी इनकम सर्टिफिकेट में इनकम कम है, आपकी बैकग्राउंड थोड़ी सी वीक है, मतलब डेफिनेटली यू आर डिजर्व कैंडिडेट, देन यू विल डेफिनेटली अप्लाई
इन दिस स्कॉलरशिप. ओके, सो डोंट मिस दिस स्कॉलरशिप. ओके, सो यू हैव टू डू वन थिंग. आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी जहाँ से क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा. तब तक के लिए धन्यवाद.